निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाएगी। जहां मतदाता सूची में त्रुटि होने का सुधार होने के साथ ही जिन नए मतदाताओं के मतदान पत्र अभी तक नहीं बने हैं, वे मतदान केंद्रों पर जाकर अपने वोटर कार्ड बनवा सकेंगे। ग्वालियर जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस पूरे अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि मतदाता सूची में सुधार, नए नामों को जोड़ने और जिन लोगों के गलत नाम जुड़े हैं उनके नाम हटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। वहीं 5 जनवरी 2023 तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होगा, जिसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की ड्यूटी की गई है, जो कि सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मतदाता सूची में सुधार का कार्य कर सकेंगे और मौके पर ही मतदाताओं को फॉर्म 7 और 8 मिल सकेगा। इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा इसका जोरों शोरों से जिला भर में प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। देखिए, जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम आया है उसके हिसाब से ड्राफ्ट पब्लिकेशन मतदाता सूची का आज कर दिया गया है और सभी से दावे आपत्ति आमंत्रित किए जा रहे हैं। 5 जनवरी 2023 को इसका फाइनल पब्लिकेशन होगा। तो इस कार्यक्रम में मैं सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र पर बैठेंगे सुबह 11 से 5 बजे तक, और जिस भी वोटर को या आमजन को या राजनीतिक दल को किसी को भी नाम जो जुड़वाने हैं या कोई आपत्ति है, कोई बोगस नाम यदि आपको लगता है, तो फॉर्म 6, 7, 8 भरने का प्रावधान है, उसको हम लोग 5 तारीख को फाइनल कर देंगे।